सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और सामने के बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी है और लू लगने की जो प्रॉब्लम होती है बहुत ही आम सी हो चुकी होती है। तो जब आपको लू लगती है तब आप क्या करते हैं? ठंडे पानी से नहाते हैं या फिर ठंडा नींबू पानी पीते हैं या फिर और भी कोई देसी नुस्खे करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा ही एक बहुत ही आसान नुस्खा जिससे आपके लू में बहुत ही आराम मिलेगा। सो उसका सुपर फूड है, उसका एक सबसे मेन इंग्रेडिएंट है छाछ। जो छाछ होती है उसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। और इसे कैसे बनाया जाए आज चलिए मैं आपको बताती हूँ। छाछ बनाने के लिए आपको तो पहले लगेगा एक छाछ, एक कप ले लीजिए या फिर जितना भी आप पी सकते हैं एक ग्लास ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक कप ले लिया है। और फिर आपको लगेगा शक्कर थोड़ी सी और नमक। हम हमेशा देखते हैं जब भी घबराहट होती है तो हमें नींबू और नींबू पानी यानी शक्कर और नमक का घोल पिलाया जाता है। तो जब छाछ में शक्कर और नमक दोनों पड़ेंगे तो हमें इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा हमारी बॉडी को मिलेगा। तो चलिए कैसे बनाना है इसे देख लेते हैं। यह है एक ग्लास या फिर एक मग छाछ। अब हमें इसमें डालना है एक चम्मच शक्कर। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं पर मैं यहाँ पे कम शुगर ही रिकमेंड करूँगी। और थोड़ी सी मात्रा में नमक, बस इतना सा। अब आपको इसे अच्छी तरह से घोल लेना है। जब ये अच्छी तरह से घुल जाए तब आपको इसे अच्छे से पी लेना है। याद रखिए, जब आप छाछ पिए तो फ्रिज में रखी हुई ना पिए और ये बाहर ही रखी हुई चाहिए, क्योंकि फ्रिज का उतना असर आपको नहीं दिखेगा। जो वो बहुत ही ठंडा हो जाता है, ये हमारे बॉडी को एकदम उल्टा कर देता है मेटाबॉलिज्म को। सो आपको याद रखना है कि आपको एकदम ठंडी ठंडी फ्रिज में से निकाली हुई छाछ को नहीं पीना है। रूम टेम्परेचर पे जो हो उसी को पीना है। और आपको थोड़ी सी शक्कर डालनी है और बस थोड़ा सा नमक डालना है। आप चाहे तो इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, जो बहुत ही बेटर रहेगा। आपके पूरे बॉडी को ठंडक तो प्रदान करेगा बट आपको एकदम रिफ़्रेश फील कराएगा। जो घबराहट हो रही होगी लू में जैसे लगता है, तो वैसा इसके वजह से नहीं होगा, क्योंकि उसमें नमक भी है और शक्कर भी है। दोनों पोटेशियम और आयरन बैलेंस करते हैं, पोटेशियम और सोडियम। सो आपकी घबराहट को दूर करेगा, आपको ठंडक देगा और आपको एक रिफ़्रेश फीलिंग भी देगा। तो ये ड्रिंक आप ज़रूर पीजिए और अपनी लू को भगा दीजिए। याद रखिए, आप जैसे ही गर्मी से आए उसके 10-15 मिनट बाद इसे पीना है। एकदम से पीना नहीं है इसे। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक घंटे के अंदर ही आपको आराम मिलने लगेगा। उम्मीद है आपको इस गर्मियों में लू से ज़रूर आराम मिलेगा और आप मेरा नुस्खा ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।